तो हेलो गाइस, एस बी रेडर ब्लॉक में स्वागत है। तो आज का ब्लॉक रहने वाला है, हम आए हैं एक कुरियर ऑफिस पे जो डिलीवरी करता है। तो एक भैया से बात हुआ था, भैया मेरे घर से भी डिलीवरी करता है, तो भैया का बात कर लिया कल। अरे भैया मेरे साथ तैयार है अभी, तो चलते हैं अभी अंदर, सामान ले लेते हैं। जैसे अभी सामान अनलोड करके, मतलब पुराना जो रिटर्न का है वो सामान लोड कर लिया और नया सामान डाल दिया, तो अभी वो जा रहे हैं शायद। अरे वो भाई लोग सब बिजी है, मतलब जिस जिस का एड्रेस पे जाना पड़ेगा वो लोग सामान देख के पैकिंग कर रहे हैं, तो इधर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। भैया से परमिशन लिया तो इसलिए हमको अलाउ किया, तो ज़्यादा टाइम इधर नहीं रुकेंगे, बाहर रुकेंगे क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत काम है। गाइस भैया अभी सामान पैकिंग करके भैया बाइक पे लोड कर रहे हैं। इसी बीच हमको लग गया, शायद आया था 8:30 बजे, अभी चेक करो 10:30 बजे, कितना टाइम लग गया। तो अभी पैकिंग बाइक पे तैयार करके चलते हैं। 8 घंटे नहीं लगता आज तो ऑफिस में, थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए 2 घंटा लग गया, लेकिन हर रोज़ आधे घंटे 20 मिनट में हो जाता है कम। अच्छा ठीक है, 2 घंटे लग गया तो हो गया। नहीं और एक बैग है। ठीक है, दूसरा सामान अभी लोड होगा। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग देखना, मतलब दिन में कितना मेहनत करता है ये लोग। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है अभी, तो भैया देख पा रहे हो सामान सामने पीछे लेके, इसी बीच सामने मेरे घर पे जो हमेशा आता है सामने देख पा रहे हो अमेज़न का, वो भैया मिल गया हमको। पहला ऑर्डर हमको मिल गया, मतलब यह डिलीवर होगा। तो भैया आप कस्टमर को फ़ोन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम पहले बाइक को पार्किंग कर लेते हैं, बीचों बीच रुक गया है। 7 पार्सल लिया है, 67 का पार्सल लिया है, मुझे 50 तो देना ही पड़ेगा क्योंकि 75% देना ही पड़ेगा पार्सल। तो अभी कस्टमर को फ़ोन कर लिया? नहीं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, आज डिलीवरी में कर रहा हूँ। तो भैया देख पा रहे हो अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए कॉल कर रहा है कस्टमर को, देखते हैं क्या करता है अभी। तो आप देख पा रहे हो पहला ऑर्डर भैया ने कॉल किया, लेकिन कस्टमर ने अभी कॉल रिसीव भी नहीं किया। हो सकता है सुबह का टाइम है, अपने Hello? काम में बिजी है। तो देखते हैं क्या होता है, आप मेरे साथ बने रहो। तो भाई हमारा दूसरा ऑर्डर अभी भैया ऑनलाइन करके पे कर रहे हैं, तो उसके बाद हम जाएंगे दूसरा ऑर्डर के लिए। फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं तीसरे ऑर्डर के लिए, 2 ऑर्डर ऑनलाइन कर दिया कस्टमर ने। तो दूसरा नंबर जो ऑर्डर दिया था ना, वो तो फीमेल था इसलिए ब्लॉक नहीं किया। तो अभी चलते हैं तीसरे ऑर्डर के लिए। तो गाइस अभी तीसरा ऑर्डर आया और तीसरा कस्टमर को कॉल किया, वो आ रहा है, लेकिन चौथा वाला को फ़ोन किया तो कस्टमर बोल रहा है वो पार्सल नहीं लेंगे। मतलब पार्सल का कीमत ज़्यादा नहीं है, 130 या इसके अंदर ही होगा, लेकिन गाइस देखो सूरज चेक करो मोबाइल को शायद तोड़ देगा, लेकिन भाई इतनी मेहनत कर रहा है, तो आप मेरे साथ बने रहो और भी कुछ अच्छे अच्छे देखने को मिलेगा, अच्छी या बुरी जो भी बोल लो। ये वीडियो शायद किसी लोगों को बुरा लगता सकता है, लेकिन ये लोग जो कुरियर वाले इतनी मेहनत करते हैं, इन लोगों के लिए तो भाई एक तो लाइक ज़रूर बनता है। देखो गाइस अभी कैंसिलेशन हो रहा है कस्टमर से OTP मांग के, और पार्सल की कीमत ज़्यादा नहीं है, 130 होगा शायद, 101 है।
101 ऑर्डर के लिए मत। देखो भाई इतने सारे सामान लेके आया, पहले तो कैंसिल करना चाहिए था ना। अगर मैं नहीं ले सकता कुछ, प्रॉब्लम तो हो हर किसी को हो सकते हैं, लेकिन पहले कैंसिल कर देता तो इतने सामान लेके नहीं आता, जितना ज़रूरत हो इतना ही लाता। तो गाइस ये शायद हमारा 8 नंबर डिलीवरी होगा, तो ज़्यादा सब डिलीवरी नहीं लिया क्योंकि फीमेल भी होते हैं तो उन लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए पूरा ब्लॉग नहीं किया। तो अभी 8 नंबर ब्लॉग मतलब ये 8वां पार्सल डिलीवर करेंगे। बहुत टाइम से घूम रहे भाई के साथ। हेलो, हमारा 8वां जो पार्सल है वो कस्टमर कैंसिल कर रहे हैं, तो भैया को मतलब OTP सेंड कर रहे हैं। देख पा रहे हो ऐसा ही होता है, लेकिन इसी बीच अच्छे भी कस्टमर मिलता है हमको। भैया बोल रहा था उस टाइम जो उसको एक कॉल लगा तो फ़ोन मतलब रिसीव कर लेते हैं और कोई भी पार्सल कैंसिल। भैया का 9वां ऑर्डर है, मतलब 8वां ऑर्डर तो कैंसिल कर दिया, लेकिन 9वां ऑर्डर जो कस्टमर के घर पे पुकार रहा है कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ऐसा भी होता है भाई। तो भाई आज बहुत ब्लॉक हो गया, मतलब पूरा दिन मतलब 5-4 घंटे तक भैया के साथ काम किया, तो देखा कितना मेहनत करते हैं। और सूरज चाचू भाई चेक करो इतना हो रहा है, तो भैया को और परेशान नहीं करते, भाई के साथ आया हो तो भैया को थोड़ा तो दिक्कत हो काम के लिए। तो ब्लॉग को आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।